हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम लिटरेरी डिवाइस को स्टडी करेंगे। टीजीटी इंग्लिश के अंदर जो है 3 से 4 क्वेश्चन लिटरेरी डिवाइस के पूछे जाते हैं। पोएम्स के अंदर एक पोइट जो अलग अलग लिटरेरी डिवाइस यूज़ करता है उनको हम स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो में आज मैं लिटरेरी डिवाइस एक एलिट्रेशन, एनाफोरा और जो है एसोनेंस जो डिवाइस है उसको स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सबसे पहले देखते हैं कि जो लिटरेरी डिवाइस है वो क्या होता है। लिटरेरी डिवाइस आर सम काइंड्स ऑफ थिंग्स। लिटरेरी जो डिवाइस होते हैं वो स्पेशल एक प्रकार के कोई थिंग्स होती हैं दैट द पोइट डज इन हिज पोएम्स। यानी पोएम के अंदर पोएट जो अलग अलग प्रकार की जो विशेष चीज़ों का प्रयोग करता है उसको लिटरेरी डिवाइस कहा जाता है। जैसे कि राइम है, रिदम है, कॉन्सोनेंस है, एसोनेंस है, विच क्रिएट्स डिफरेंट इफ़ेक्ट्स। यानी जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं ये अलग अलग इफ़ेक्ट्स को जो हैं क्रिएट करते हैं। हर एक डिवाइस का है ना अपना एक अलग पर्पज़ होता है, उसे यूज़ करने का हर का अपना एक अलग पर्पज़ होता है। और इन सब डिवाइस की वजह से पोएम्स में एक अलग सी फीलिंग आती है। ये जितने भी डिवाइसेस होते हैं एक अच्छी फीलिंग आती है। जो भी मतलब एग्जाम वो पॉइंट के लिए ज़रूरी है हम उन सभी को आज डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहला जो हमारा लिटरेरी डिवाइस है वो है एलिट्रेशन, जिसे हिंदी में अनुप्रास कहा जाता है। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन क्या है? एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड। एलिट्रेशन है ना कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन होती है, पुनरावृत्ति होती है एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर कंजिक्यूटिव लाइन्स वर्ड्स। दो या दो से ज़्यादा जो लगातार टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा, ठीक है, एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर कंजिक्यूटिव लाइन वर्ड्स। कंजिक्यूटिव का मतलब होता है, कंजिक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक आने वाला वर्ड, एक के बाद एक आने वाले वर्ड के अंदर जो है कॉन्सोनेंट जब साउंड की बार बार रिपीटेशन हो, पुनरावृत्ति हो, उसको एलिट्रेशन कहा जाता है, उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल मैंने लिया 10वीं क्लास की एक पोएम है, फायर एंड आइस, आग और जो है आइस से मैंने ये लिया है। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। आई होल्ड विद दोज हु फेवर्स फायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर्स फायर। अब इसके अंदर देखो एक के बाद पहला वर्ड ये, दूसरा वर्ड ये, इसके अंदर यानी कि कंसेक्यूटिव वर्ड्स हैं, इसके बाद एक के बाद एक वर्ड है। इसका पहला जो लेटर है एफ है, ये भी एफ है, फे की साउंड है, फे की इसके अंदर साउंड जो है रिपीटेशन है, तो ये कौन सा अलंकार हो गया, ये हो गया आपका एलिट्रेशन। जैसे आप हिंदी में नहीं करते करत करत अभ्यास की, कह कह की बार बार आवृत्ति है ना, करत करत अभ्यास की, तो कह कह की आवृत्ति है तो अनुप्रास अलंकार है। वैसे ही इंग्लिश के अंदर भी है, बस क्या है कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन है, एफ क्या है कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ फे और फे की साउंड के कारण यहाँ एलिट्रेशन डिवाइस है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, फ्रॉम द बर्निंग, ये मैंने सारे मोस्टली 10वीं की जो है पोएम से लिए हैं। फ्रॉम द बर्निंग बाउल्स ऑफ द अर्थ, फ्रॉम द बर्निंग बाउल्स ऑफ द अर्थ। यहाँ पर बर्निंग में बी, बाउल्स में बी, यानी बी जो है कॉन्सोनेंट इसकी बार बार रिपीटेशन है, इसलिए ये एलिट्रेशन डिवाइस है। नेक्स्ट देखते हैं, अमांडा पोएम है 10वीं क्लास के अंदर। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। यहाँ पर से 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 की जो है एस 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 आया है, से से की साउंड जो है यहाँ पर रिपीटेशन है, इसलिए यहाँ पर क्या है एलिट्रेशन डिवाइस है। एक दूसरी पोएम और है, एनिमल्स पोएम है, ठीक है, इसके अंदर ये लाइन है, वंडर वेहर दे गेट दोज टोकन्स, वंडर वेहर दे गेट दोज टोकन्स। वंडर में वे और वेहर में भी वे, ठीक है, यहाँ पर यानी वे साउंड की रिपीटेशन है, इसलिए ये एलिट्रेशन डिवाइस है। और भी मैंने एग्जांपल लिए ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ सके। देन हु विल सीयर माई बोनी ब्रिज, देन हु विल सीयर माई बोनी ब्रिज, बोनी ब्रिज, यहाँ पर बे बे की जो है रिपीटेशन है, इसलिए यहाँ एलिट्रेशन डिवाइस है। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, 10वीं क्लास के अंदर ये पोइम है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ब्लिंडा वाज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स, फुल ऑफ बियर्स, ठीक है। ब्लिंडा
वाज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स। यहाँ पर बे 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 और बे की जो है रिपीटेशन है, इसलिए यहाँ पर एलिट्रेशन डिवाइस है। एक एग्जांपल और देखते हैं, बट द ड्रैगन वाज ए कावर्ड एंड सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। यहाँ पर देख सकते हो कावर्ड के, कॉल्ड में के, कस्टर्ड में भी के, यानी के जो साउंड है इसकी बार बार रिपीटेशन है, इसलिए यहाँ पर एलिट्रेशन डिवाइस है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो एलिट्रेशन जो डिवाइस है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट डिवाइस करते हैं, नेक्स्ट है एनाफोरा डिवाइस। एनाफोरा क्या होता है? एनाफोरा इज द रिपीटेशन यूज ऑफ ए वर्ड, यानी रिपीटेड यूज ऑफ ए वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर कॉन्सिक्यूटिव लाइन्स, यानी वाक्य में एक ही शब्द या शब्दों की पुनरावृत्ति, वाक्य के अंदर एक ही शब्द, जैसे मान लिया जैसे ये यहाँ पर है, ये जो है ना स्टार्ट है नो से, और ये भी लाइन नो से स्टार्ट है, यहाँ पर एनाफोरा होता है। इसको आद नूर आद पुनरुक्ति कहा जाता है हिंदी के अंदर, आद पुनरुक्ति। फिर देख लेते हैं, एनाफोरा इज द रिपीटेड यूज, बार बार रिपीटेड यूज ऑफ ए वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर कंसेक्यूटिव लाइन्स, मतलब एक के बाद एक दो लाइन है ना, दोनों लाइनों की शुरुआत सेम वर्ड से हो तो उसे एनाफोरा कहा जाता है। वाक्य में एक ही शब्द या शब्दों की जो पुनरावृत्ति को एनाफोरा कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ये मैंने 10वीं क्लास की पोएम्स ली है, द ट्रीज, ठीक है। The trees inside are moving out in the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in the shadow. अब ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, इसके अंदर no, यानी कि जो दो, ये भी शब्द सेम है और ये भी शब्द सेम है, यानी no से स्टार्टिंग हुई है, तो ये एनाफोरा डिवाइस है। एनिमल्स पोएम है 10वीं क्लास में, इसके अंदर से मैंने लिया है, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशंस, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड द वीप फॉर्थ देयर सिंस, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। यानी कि ये तीनों लाइन में आप देख सकते हो दे से शुरू हुई है, दे डू नॉट, यानी कि यहाँ पर कौन सा डिवाइस है? एनाफोरा डिवाइस है। आप एक और एग्जाम्पल देख सकते हो, ये भी 10वीं क्लास की पोएम है, द फ्रॉग एंड द नाइटिंगल, फ्रॉग एंड द नाइटिंगल, सेड द फ्रॉग आई ट्राई टू टीच हर बट सी वॉज ए स्टूपिड क्रीचर, फॉर टू नर्वस, फॉर टू टेंस, फॉर टू प्रोन टू इन्फ्लुएंस, यानी फार और फार, फार टू, फार फार, सेम वर्ड से रिपीटेड हुआ है, यानी एनाफोरा डिवाइस है। नेक्स्ट पोएम है 10वीं क्लास की अमांडा, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा। यहाँ पर अमांडा की माँ उसको कहती है कि आप बार बार अपने नाखूनों को मत बाइट करो, शोल्डर कंधों को मत उचकाओ, यानी डोंट से शुरू है, इसका मतलब एनाफोरा डिवाइस है। नेक्स्ट है, यहाँ पर ये देख सकते हो आप, मैंने एलिट्रेशन ये लाइन में पिछला जो एलिट्रेशन कराया है, स्लाउचिंग, स्टॉप, सिट, स्ट्रेट, यहाँ पर सेस है कि आवृत्ति, यहाँ पर ये एलिट्रेशन डिवाइस है, ठीक है। अगर वर्ड के बीच में जैसे यहाँ पर ओ है, डोंट में ओ, यूअर में भी ओ, शोल्डर में भी ओ, यानी पर यहाँ पर है ना ओ वावल की प्रोमिनेंस है, ओ वावल ज़्यादा प्रोमिनेंस है, इसलिए यहाँ पर एसोनेंस डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? एसोनेंस। ये मैं आगे करवाऊँगा, वैसे बता देता हूँ आपको, यूअर ओ, शोल्डर में भी ओ, डोंट में भी ओ, तो यहाँ पर जैसे ओ है, ओ जो वावल की प्रोमिनेंस है, इसलिए यहाँ पर एसोनेंस डिवाइस भी है। द बाल पोएम है अगली 10वीं क्लास में, वट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट इज बाल, वट ही टू डू, आई साइट गो, यानी वट से शुरू है, एनाफोरा डिवाइस है। मेरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेरिली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर, यानी मेरिली, यानी सेम वर्ड से शुरू है, तो इसका मतलब कौन सा डिवाइस है? एनाफोरा डिवाइस है। नेक्स्ट डिवाइस है हमारा एसोनेंस। एसोनेंस द रिपीटेशन ऑफ ए वावल साउंड विद ए सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस के अंदर जब वावल साउंड की ज़्यादा जो है रिपीटेशन होती है, प्रोमिनेंस होती है, उसे एसोनेंस कहा जाता है। ऐसे भी बोल सकते हैं आप, इट इज़ ए रिपीटेड वावल साउंड, ये वावल साउंड की रिपीटेड होती है इन वर्ड्स के अंदर दैट आर टुगेदर और नियर ईच अदर, एक दूसरे के पास जो वर्ड होते हैं ना उसके अंदर जो वावल साउंड की रिपीटेशन है उसे एसोनेंस कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ऑन ए प्राउड राउंड क्लाउड इन वाइट हाई नाइट, ये 10वीं क्लास की पोएम है, ओन ओ ओ और ओ ओ साउंड जो है यहाँ पर रिपीटेड है, इसलिए यहाँ पर क्या है? एसोनेंस डिवाइस है। सेवन एज इज 9th क्लास की जो पोएम है, इसके अंदर से देखते हैं, ऑल द वर्ड्स एट ए स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मियरली प्लेयर्स, दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड द एंट्रेंस, यहाँ पर
ई साउंड जो है बार बार रिपीटेड है, यहाँ पर भी ई साउंड रिपीटेड है, इसलिए यहाँ पर एसोनेंस डिवाइस है। नेक्स्ट देखते हैं नाइन्थ क्लास के डक एंड द कंगारू बुक में, गुड ग्रेसस हाउ यू डू, यहाँ पर देखो ओ ओ ओ की प्रोमिनेंस है, ओ साउंड की जो है रिपीटेशन है, इसलिए यहाँ एसोनेंस डिवाइस है। और भी देख सकते हैं द कैट हैड ए स्नेक, ए साउंड की प्रोमिनेंस है, रिपीटेशन है, इसलिए एसोनेंस डिवाइस है। इट वॉज कूल इन द क्लियर ब्लू वाटर ऑफ द पूल, ऊ डबल ओ यानी ऊ साउंड की जो है रिपीटेशन है, इसलिए यहाँ एसोनेंस डिवाइस है। डू गुड हैव गुड, ओ इसके अंदर भी ऊ साउंड जो है प्रोमिनेंस रिपीटेड है, इसलिए यहाँ पर भी एसोनेंस डिवाइस है। नो पेन नो गेन, यहाँ पर ए आई यानी कि ए साउंड जो है वो रिपीटेड है, तो इसलिए यहाँ पर एसोनेंस डिवाइस है। स्लो गो स्लो ओवर द रोड, यहाँ पर ओ जो साउंड है वावल साउंड है वो रिपीटेड है, इसलिए यहाँ एसोनेंस डिवाइस है। सर्फ एंड टर्फ, तो सर्फ में यू यू साउंड जो है रिपीटेड है। चिप्स एंड डिप्स में आई साउंड जो है ओ जो है वावल साउंड रिपीटेड है, इसलिए यहाँ पर एसोनेंस डिवाइस है। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।